आखिर मैं कहां गलती कर रहा हूं? क्या मैं वाकई कभी नहीं उड़ पाऊंगा? तुम क्या कहते हो कबूतर साहब? मेरे पास आओ, मैं भी उड़ना चाहता हूं तुम्हारी तरह, लेकिन नाकाम हो रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या करूं कि मैं तुम्हारी तरह उड़ सकूं। हाँ, मिल गया। हाँ, तुम जब भी कहते हो ना कि मिल गया तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम्हारे जहन में और क्या आ गया? ओलिया, हम इसी जगह पे थे। हाँ। तुमने मुझे एक बात बताई थी, याद है तुम्हें? अरे वाह, क्या याद दिला दिया। ऐसा कोई पकवान वाला और हो ही नहीं सकता। ओलिया, वो नहीं, वो नहीं, याद भी कर। अयूब टिक्के वाला। ये भी नहीं ओलिया, कुछ और कहा था तुमने, याद करो ना। अरे मोहतरम, शायद मुझे बहुत भूख लग चुकी है। मुझे यहाँ खड़े होकर पहेलियाँ नहीं बुझवाओ, सीधा बताओ कि मैंने क्या कहा था। तुमने कहा था कि अगर यहाँ से कूदो तो उड़ सकते हो। बिल्कुल सही थे तुम, ये सबसे ऊंची जगह है, अगर मैं यहाँ से कूदा तो उड़ सकता हूँ। अरे वो ठीक है, कहने को कह दिया होगा, लेकिन यकीन करो मैं तो मजाक कर रहा था। ओलिया, अगर मैं यहाँ से कूदा, काफी हवा होगी और उस हवा की मदद से मेरे पर भर जाएंगे और मैं महल हुमायूं तक उड़ सकता हूँ। इस ऊंचाई से उड़ोगे तो बहुत ऊपर चले जाओगे। महल हुमायूं कहाँ है पता है? अरे मोहतरम, क्या तुम होश में तो हो? ठीक है, अगर तुम पर लगाकर अपनी मौत की तरफ उड़ना चाहते हो तो उड़ो, लेकिन मेरा क्या होगा? नहीं ओलिया, नहीं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो मैं पीछे हट जाता हूँ और जाकर आका को बताऊंगा कि तुम यहाँ से कूदना चाहते हो। देखते हैं वो तुम्हें इजाजत देंगे या नहीं। आका ने इजाजत दी है, उन्होंने कहा है कि मैं उड़ सकता। उड़ सकते हो तो उड़ जाओ ना, लेकिन तुम उड़ भी तो नहीं पा रहे। आका को फिर भी बताऊंगा। अरे मजाक कर, अरे गलत लगे, मजाक कर रहा था यार। बड़ा आया यहाँ से उड़ेगा। उड़ जाएगा ये। क्या वाकई में? मेरे आका, खुश आमदीद, आपने मुझे इज्जत बख्शी। अवाम तुम्हारे दरवाजे पर आ खड़ी है मुफ्ती साहब, और तुमसे मदद की तलबकार है। आप तो जानते हैं आका, मेरा जो मकाम है उसकी वजह से मेरा दरवाजा अवाम के लिए हमेशा खुला है। वो अपनी परेशानियां हमेशा मेरे ही पास लेकर आते हैं। मुफ्ती साहब, तो तुमने निकलकर बात क्यों नहीं की उनसे? ये क्यों नहीं कहा कि आका के हुक्म के सामने तुम्हारी कोई अहमियत नहीं? उन्हें क्यों नहीं समझाया? क्या तुम्हारा ये वजीफा नहीं कि आका के हुक्म की तामील करो? मैं उन्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी अदालत के सामने इन लोगों के जहनों में कोई शक न रह जाए कि इस वाकई की हकीकत क्या है, वो अच्छी तरह से जान लें, ताकि उनके अंदर जो आग है वो कहीं ज्यादा ना भड़क जाए। जो करना है फौरन करो मुफ्ती आफंदी, और मेरे पास इसके लिए ना तहमुल है और ना ही वक्त। मेरे सब्र का इम्तिहान ना लें। अगर आपकी इजाजत हो मेरे आका, तो मैं आपके गुलामों को निजाम की बेहतरी के लिए एक बार फिर उन्हें समझाऊंगा कि आका के खिलाफ बिल्कुल ना जाएं। हाल ही में हमारे आका ने जो फैसले लिए हैं, इससे पहले कि उन फैसलों की वजह से हालात खराब हों, हमें तदाबीर लेनी होगी। हम बहुत मुश्किल में फंस गए हैं मलिक, किसी का बेटा मारा जा चुका है और किसी का शौहर, और सभी आका से नाराज हैं।
जो भी इस फैसले से असर अंदाज हुए हैं उनकी तरफ मैं मदद का हाथ बढ़ाऊंगी। बेवाओं के लिए वजीफा बांधा जाएगा और यतीमों को मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी और जिनकी उम्र शादी की है उन्हें रोजगार फराहम किया जाएगा ताकि वो अपना घर बसा सके। आपका फलाही इदारा पहले ही हजारों लोगों की मदद कर रहा है मलिका। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग भी इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकते हैं। आप लोगों को मेरी जगह हर गली हर घर जाना होगा। जो आपका हुक्म मलिका आलिया, जो जिम्मेदारी हम पर आएगी हम उसे खुशी के साथ पूरा करेंगे। मेरा एक जानने वाला है जो मैखाने में काम करता है, काफी उम्र रसीदा है। अब वो अपने पुराने काम को छोड़ना चाहता है। अगर कौसम सुल्तान इजाजत दें तो मैं पुराने महल से काम छोड़ के उसके साथ मिल जाता हूँ जितनी जल्दी हो सके। होश में तो हो, क्या बकवास कर रहे हो, आराम पसंद नहीं क्या? वो हाजी आगा, तुम जानते हो मैं एक ऐसा बावर्ची हूँ जो आका और मलकाओं के लिए खाना बनाता है। वहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा गमजदा और परेशान हाल खवातीन की खिदमत करनी होती है। तुम जानते हो ना कि पुराने महल के बारे में क्या कहा जाता है, वहाँ पर रहकर मुझे बहुत ज्यादा अजियत महसूस होती है। मैं काम करना चाहता हूँ वहाँ, तुम कभी कभी चक्कर लगा लेना, बैठकर बात करेंगे। अजीब इंसानों, कब से बकवास किए जा रहे हो, तुम्हें एहसास नहीं कि मैं हमेशा ऐसी चीजों से दूर रहता हूँ। दिन में तो आ सकते हो ना, चाय पी लेना, जो खाना चाहो तुम खा सकते हो और पैसे भी नहीं। एहसान नहीं चाहिए तुम्हारा। कभी कभी हलवा बनाओगे ना मेरे लिए? अच्छा ठीक है, मैं मलिका से बात करूंगा, अगर वो कबूल कर ले तो अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हाजी अल्लाह ताला तुम्हें। कमान का शागा, आप अंदर नहीं जा सकते, मलिका ने सख्ती से मना किया। हटो आगे से। हलील पाशा के साथ आप मुस्तकिल राब्ता रखेंगे, वसाइल की फरामी में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। मलिका, मेरी जुर्रत को मुआफ कीजिएगा, लेकिन इस दीवान के मुनक्किद होने का मुझे इल्म नहीं था। जिन लोगों को सजाए मौत दी गई जानते हो उनके रिश्तेदार बहुत परेशान हैं। क्या तुम्हें इस सारी सूरत हाल के बारे में इल्म नहीं है? हमारे आका को खुद इस बारे में मैंने खबर की है। छावनियों में भी हालात ठीक नहीं है, नौसिखिए भी फसाद के लिए अपने पर तोल रहे हैं। बस नौसीखे ही रह गए थे। हमारे आका जरूर कोई तदबीर सोचेंगे और हालात सुधर जाएंगे। आका जिस तरह से सारे मामलात हल कर रहे हैं मैं जानती हूं कमानकश, किसी को बर्दाश्त नहीं करते। जो भी उनके सामने सर उठाता है उसका सर कुचल देते हैं और यही एक दिन हमारी मुसीबतों का सबब होगा और मैं उन्हें इन मुसीबतों से निकालने का काम कर रही हूं। कौसम सुल्तान आज अस्तर खातून के हुजरे में थी, उन्होंने सबको जमा किया हुआ था। लग रहा था कि वो मोहतात हो चुकी हैं, शायद वो दौलत से आवाम को खामोश करा दें। कौसम सुल्तान ये खेल खेलना अच्छी तरह जानते हैं, वो दोबारा दौलत के जरिए रियाया और फौज का मुंह बंद करना चाहती है। वो इस सूरत हाल में पहले भी सोने की अशरफियां तकसीम कर चुकी है और इस बार भी यही जरिया इस्तेमाल करेगी। हमें इस जरिए से जान छुड़ानी होगी वरना हमारी सारी कोशिशें जाया हो जाएंगी। बहुत जल्द ये जरिया कौसम के लिए दलदल बन जाएगा, ऐसा दलदल जिससे वो कभी नहीं निकल पाएगी।
शहजादे। क्या सब लोग आ गए हैं दावत पे? जी मेरी शहजादे, सभी आ गए हैं। गैवरान कहाँ रह गई थी? मैं आ रही थी लेकिन सलीम शरारत करने लगा, बहुत मुश्किल से सुलाया है उसे। मेरे आका मुआफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, बैठो। निकाह बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह इसे खैर का वसीला बनाए। आमीन। इस निकाह की बरकत की वजह से आज हम सब साथ बैठे हैं। अल्लाह हमें कभी जुदा ना करे, और दुआ है कि हमारे दुश्मनों को निस्तो नाबूद कर दे। आमीन आमीन आमीन। और हम सबको सेहत दे। मैं खिलाता हूं। मेरी शहजादी। मलिका कुछ तो खा ले वरना बीमार हो जाएंगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस हाल में कुछ खा सकूंगी? मेरे शहजादे और शहजादी का है। वो भी दावत में गए ना, उस औरत के पास। हमारे आका का यही हुक्म था। कल तक उनके सबसे करीब मैं थी, उनकी नूरे नजर, उनकी हम सफर, उनका खानदान। लेकिन अब मेरी जगह उस औरत ने ले ली, उनके दस्तखान पे भी मेरी जगह नहीं। ये सब उस औरत की वजह से हुआ है। मलिका निकाह की दावत थी, इस वजह से आपको नहीं बुलाया होगा, वरना हमारे आका। मन की तरफ से बोल रही हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ फौरन। फारिया खातून। सुल्तान, फारिया सुल्तान, नामुनासिब तो नहीं लगेगा ये कहना।
क्यों नामुनासिब लगेगा। मेरे लिए आका की सादत मंदी हर शय से आम है, हर शय से आम। अगर ये बात है तो मुबारकबाद क्यों नहीं दी? मौका नहीं मिला सुल्तान। मुबारक हो। मेरी दुआ है अपने रब से कि आपकी खुशियां हमेशा कायम रहें। मेरे सुल्तान, जिस रफ्तार से आप आगे बढ़ रही हैं, याद रखिएगा कि अक्सर तेज चलने वाले अपने कदमों में ही उलझ जाते हैं। तुम्हारे लिए यह बेहतर होगा कि तुम अपने बारे में सोचो। तुम तो इतनी कमजोर बर्फ पे चल रहे हो कि अगर वो बर्फ चटक गई तो डूबना ही तुम्हारा मुकद्दर होगा। फारिया। शहजादी। क्या हुआ, क्या बात हो रही है? निकाह की मुबारकबाद दे रहे थे सलाहदार। इजाजत चाहूंगी। कैसे हैं आप सलाहदार? जख्म ठीक हो गया आपका? शहजादी पहले से बहुत बेहतर है। इजाजत चाहूंगा। फारिया सुल्तान, क्या खूबसूरत इत्तेफाक है। मेरी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की, बहुत सुना है आपके बारे में। आप गुलबहार सुल्तान हैं ना, बहुत सुना है आपके बारे में। तो फिर ये भी सुना होगा कि मैं एक चुड़ैल और जादूगरनी हूँ। क्या वाकई ऐसा है? डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती थी, काफी बड़ी कामयाबी है ये। कौसम सुल्तान ने इस हरम में किसी को भी सर उठाने की इजाजत नहीं दी है सिवाय आयशा सुल्तान के, क्योंकि उसका सर उनके सामने कभी नहीं उठता। जब मैं नई नई इस महल में आई थी तो मैं भी पसंद नहीं थी, लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि हम दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहूंगी। कौसम सुल्तान पे कभी भरोसा मत करना, क्योंकि वो ये नहीं चाहेंगी कि उनका बेटा उनसे ज्यादा किसी और को अहमियत दे। अगर आप उनके रास्ते का कांटा बनी तो वो बिल्कुल वक्त नहीं लगाएंगी आपको अपने रास्ते से हटाने में। अब इजाजत चाहूंगी। शब बखैर। शब बखैर। जो चाहती थी वो हो गया। आका के दिल में जहर भर के तुम कामयाब हो गई। और उन्होंने तरस खा के तुमसे निकाह कर लिया। इस वक्त तरस तो तुम पे खाना चाहिए। तुम किस मुंह से मेरे सामने खड़ी हो? काश उस रोज तुम्हारे बच्चे के साथ तुम्हें भी मार दिया होता। ना तुम जिंदा होती और ना ये निकाह होता। तुम क्या कर रही हो? तुम आज बचोगी नहीं मुझसे। आयशा, आयशा ना मेरा। तुम पागल हो गई हो? आज नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो इसे। ये क्या कर रही हो? ये आवाजें कैसी हैं? ये आवाज तो फारिया सुल्तान की उजरे से आ रही है। छोड़ो इसे, लग जाएगा। मैं कह रही हूँ छोड़ो इसे।
वारिया सुल्तानिया ने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। ये खुद आई थी मेरे उजरे में, खंजर से वार किया मुझ पर और खुद बेहोश हो गई। आयशा सुल्तान, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाके तबीबा को बुलाओ। आयशा सुल्तान आंखें खोली। कासिम, सुबह तुमसे ठीक से बात नहीं कर पाया और अभी भी तुम खामोश हो। अगर चाहो तो मेरे हुजरे में चलते हैं, वहीं बातें कर लेंगे। बहुत शुक्रिया बयासत। दरअसल तुमसे बात करके मजीद किसी मुश्किल में नहीं फंसना चाहता। इब्राहिम, ये क्या हो रहा है? क्या कहा है तुमने कासिम से? वही कहा जो सच था बयाजत। तुमने गद्दारी की है हमसे। मेरे भाई, तुम समझना क्यों नहीं चाहते? मैं बता चुका हूं, जानबूझ के कुछ भी नहीं किया मैंने। अब पछतावे का कोई फायदा नहीं। अब हमारे दरमियान पहले जैसा कुछ नहीं और ना ही हो सकता है। पाया तख्त में बड़ी हलचल मची हुई है मुराद। शिकायतें तो बंद होने का नाम नहीं ले रही। मैं जानता हूं वालिदा, आप भी तो उनकी मदद के लिए गई थी वहां। तो आप क्या चाहते हैं? हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूं मैं? जो जिंदा रह गए हैं उनके जख्मों पे मरहम लगाना बहुत जरूरी है, ताकि उनके गुस्से की वजह से सल्तनत में कोई बगावत न शुरू हो जाए। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आप अगर किसी ने भी बगावत करने का सोचा तो उसकी सजा मौत होगी वालिदा। मेरे आका मलिका, आयशा सुल्तान की तबीयत नासाज है। कहां है वो? उन्हें हुजरे में लेकर गए हैं, तबीबा उनके पास है। इसे क्या हुआ है लालाजार? मेरे आका, हमें हुजरे में बेहोश मिले, वजह क्या है नहीं मालूम। सच क्या है? फारिया सुल्तान ने बताया है मलिका, ये उनके हुजरे में गई थी, वो भी खंजर लेकर, और बेहोश हो गई। सब्र दे खुदा। क्या हुआ इसे? मुबारक हो मेरे आका, मलिका मां बनने वाली है। मुबारक हो मेरे बेटे, अल्लाह ने चाहा तो आपकी तरह एक बहादुर शहजादा पैदा होगा इंशाल्लाह। मेरे आका, वालिदा। फिक्र की कोई बात नहीं आयशा, तुम फिर से मां बनने वाली हो। मेरी दुआ है रब से कि वो आपको एक शहजादे की मां बनाए। इंशाल्लाह वालिदा, इंशाल्लाह। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। आप आ गए बयाजत, दावत कैसी गुजरी? खामोश गुजरी वालिदा, कासिम को सब कुछ पता चल गया।
मेरी तरफ तो देखना भी नहीं चाहता। वो बहुत नाराज है मुझसे, ना जाने हमारे ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे। उन्हें तो सिर्फ बहाना चाहिए था और वो उन्हें मिल गया। आज नहीं तो कल तुम लोगों के ताल्लुकात खराब होने ही थे। आखिर तुम लोग भाई होने के साथ साथ रकीब भी हो। अब आप दोबारा शुरू मत हो जाए वाले था। आका को और अपने भाइयों को ना मैंने कभी अपना दुश्मन समझा है और ना ही समझूंगा। लेकिन ये निजाम ऐसा ही है। आपने देखा नहीं कि आपके भाई ने एक लम्हे में कैसे कई सौ लोगों की जान ले ली, वालिदा की इजाजत के बगैर निकाह कर लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो इख्तदार में किसी को साथी नहीं बनाना चाहते, वो दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं वो मार डालेंगे मुझे? अल्लाह ना करे बेअज़त, आप गलत मत समझिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने भाई के खिलाफ जंग करें, लेकिन एहतियात तो करें, तमाम हिफाजती इकदामात पहले से करके रखें। अगर कल उन्होंने आप पर तलवार निकाली तो आपकी तलवार भी तैयार होनी चाहिए। खैरियत है हाजी आगा? आयशा सुल्तान ठीक है? तुम लोगों के पास इसके अलावा कोई और काम नहीं है क्या? आयशा सुल्तान बिल्कुल ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं, शुक्र है। ठीक तो है, पर ये बताएगा उन्हें हुआ क्या था? अल्लाह अल्लाह, तुम लोगों को भी जाने बगैर सुकून नहीं मिलेगा। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, बल्कि अच्छी खबर है, हमारी आयशा सुल्तान माँ बनने वाली है। इस दफा ऊपर तह लगाऊं ताकि हवा अंदर जा सके। जाहिर है हवा अंदर जानी चाहिए, अच्छी बात है। अरे सफर, मैंने तुम्हें भला उस आदमी की कहानी सुनाई थी जो उड़ना चाहता था। किस आदमी की? इस्माइल बिन हम्माद अल जौहरी। ओ हाँ, अच्छा अच्छा, याद आ गया, याद आ गया। अरे क्या कर रहे हो, एक दफा मेरे मुंह से तो सुन लो ना। देखो मेरी बात सुनो, ये आदमी उड़ने की मोहब्बत में गिरफ्तार था। तुम्हारी तरह लकड़ी के पर बनाए उसने अपने लिए, उसके बाद एक मीनार के ऊपर चढ़ गया और नीचे कूदने का इरादा कर लिया। वहाँ बहुत से लोग जमा थे और उनसे वो मुखातब होकर कहता है, आ जाओ इकट्ठे हो जाओ, आ जाओ यहाँ। अच्छा ये कहा उसने? पहले सुन तो लो। ओ हाँ। ऐ लोगो, मैंने आज तक जितनी भी चीजें ईजाद हुई हैं उनमें सबसे बड़ी चीज ईजाद की है। थोड़ी ही देर में आपकी नजरों के सामने मैं आसमान की तरह बढ़ूंगा। याद रखो, इस दुनिया में सबसे अहम चीज उड़ना है, इससे बेहतर क्या कारनामा है, ये कहना था। और उसके कुछ ही देर बाद उसने मीनार से यूं छलांग लगा दी और जाके सर के बल गिरा। बिल्कुल ऐसा हुआ। जाहिर है लकड़ी के भी कोई पर होते हैं। हाँ, देख लो, जाहिर है परवरदिगार जिसको चाहे जिंदा रखे और यार औलिया बस भी कर दो। परवरदिगार चाहे तो चींटी को भी पर लगा दे, मेरा कहने का मतलब ये था। ठीक है, पर तुम जाओ, हम इस मसले को बाद में देखेंगे। शहजादे बेअज़त, आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह? मैं खैरियत से हूं मुफ्ती अफंदी, शुक्र है खुदा का। बताइए आप कैसे हैं? आपकी सेहत के लिए दुआ को हूं। बहुत अच्छा इत्तफाक है ये, आपकी वालिदा गुलबहार सुल्तान ने मुझसे जिक्र किया था, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि वक्त आने पर
मैं आपसे खुद इस मामले पर बात करूंगा। मैं जानता हूं मुझे शहजादे मुफ्ती साहब आप लोग यहां क्या कोई मसला हुआ है? शहजादे क्या मसला हो सकता है, मुलाकात हो गई तो बस खैरियत पूछ ली। मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा हुआ तुम मुझे यहां मिल गए कासिम, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। मुझे कल पूरी रात नींद नहीं आई, जानते हो। हमारे बीच जो भी मसला उसे बैठ के हल कर लेते हैं। जो कुछ हुआ है मैं उसे भूल गया हूं बयासत, तुम भी ऐसा ही करो, यही बेहतर होगा। पुराने जख्मों को कुरेदने का कोई फायदा नहीं। मेरे आका। कैसे हो कासिम? खैरियत से हूं मेरे आका। मैं वालिदा के पास आया था उनसे मिलकर अपने लिए दुआ लेने के लिए। अच्छा है। इब्राहिम कहाँ है? कितने दिनों से मुलाकात नहीं हुई। अभी साथ ही था, थोड़ी देर बाद हम खास बागीचे जाएंगे तलवारबाजी की तालीम के लिए। और बयाजत भाई को भी बुलाया था लेकिन वो शेखुल इस्लाम के साथ कुछ मसरूफ थे। कहाँ थे वो? अभी बाहर मिले थे, कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। जब मैं पहुंचा तो दोनों खामोश हो गए। मैंने पूछा भी तो कहने लगे तफाकन मुलाकात हुई तो खैर खैरियत पूछने रुक गए। तो वो सच ही कह रहे होंगे कासिम, और इसके अलावा क्या हो सकता है? मैं सिर्फ जानना चाह रहा था कोई ऐसी बात तो नहीं जिससे मैं लाइल हूं। आपको तो मालूम है मैं काफी अर्से यहां नहीं था। वालिदा। मेरे बेटे आप कहाँ थे? सुबह से चेहरा नहीं देखा आपका। आयजादे अफंदी से मुलाकात हुई मेरी। आपने कुछ कहा है उनसे? क्या बात करना चाहते हैं वो मुझसे? क्या हो रहा है वालिदा, कहीं आप आका के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रही? मैंने आपसे कहा भी था कि ये सब रोक दीजिए। मेरे शहजादे इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मुश्किल दिनों के लिए कुछ साथी ढूंढ रही हूँ। खुदा न खास्ता अगर हम पे मुश्किल वक्त आए तो वो हमारे साथ हों। मत ढूंढिए वालिदा, मेरे लिए सबसे महफूज मकाम मेरे आका भाई का साथ है। आपके अपने भाई से मोहब्बत देखकर खुशी होती है मुझे, लेकिन साथ ही साथ डर भी लगा रहता है कि वक्त आने पे इस मोहब्बत में अंधे होकर कहीं आप हकीकत ही ना देख पाए। परेशान मत होइए बयाजत, आप अपने भाई से बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हैं, लेकिन मेरा एक मशवरा है आपको, मेरे अलावा हरगिज किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। काम कैसा चल रहा है आपका? बस अल्लाह के सहारे ही चल रहा है सर, हर दुकानदार परेशान है। क्यों खराब हो गया फंदी?
कुछ अरसे पहले तक माशाल्लाह सब ठीक था, लेकिन अब अचानक नौसी के सर पे सवार हो गए। जितना कमाते हैं तकरीबन वो सब तो उन्हीं को देना पड़ जाता है। फारिया, मुझे मालूम हुआ कि तुम मां बनने वाली हो। तुमने अपने आखिरी खत में लिखा था कि तुम सुल्तान मुराद से शादी करोगी और सल्तनत उस्मानिया पे राज करोगी, और साथ ही साथ तुम्हारा होने वाला बच्चा तख्त उस्मानी का वारिस होगा। आज मैं कुछ मांगने आई हूं तुमसे। कहिए क्या चाहिए, आपको मिल जाएगा वो। कौसम सुल्तान की मोहर की जरूरत है मुझे। ये नहीं कर सकती मैं, नामुमकिन है। तुम ये तो नहीं चाहोगी कि तुम्हारे राज सबके सामने आए। मलिका बनने के लिए आपका और आवाम का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे नाखून और गोश्त का होता है। आप जो ख्वाब देख रही हैं उन पर काबू रखें अपना, कहीं ये ख्वाब आपकी बर्बादी का सबब ना बन जाए। कौसम सुल्तान ने नौसिखियों की परेशानियों पे खास तवज्जो दी है। छावनी में कुछ खजाना बांटा गया है। तो मेरी वालिदा अपनी आदत के मुताबिक मुझे बताए बगैर अपना काम शुरू कर चुकी है।